उसको अभी गर्म गर्म होने देते हैं। अभी तेल गर्म हो गया, उसमें जीरा डालते हैं। तो उसमें जीरा डाल दिया, उसके बाद कड़ी पत्ता डालते हैं, उसके बाद तेज पत्ता डालते हैं और मिर्ची डालते हैं, सूखा मिर्च। अब इसको चला देंगे इस कदम का। और फिर उसमें प्याज डालेंगे, तो आस्ते से थोड़ा ब्राउन होने का, तो उसको पकने देंगे। उसको ब्राउन होने तक उसको पकने देंगे, उसको अच्छा स्मेल आ रहा है। इसमें कड़ी पत्ता करने के बाद बहुत स्मेल आता है, उसको ब्राउन होने तक डालेंगे। अभी हमारा प्याज ब्राउन हो गया, उसमें अभी अदरक लहसुन जो पेस्ट रखा हुआ है उसको डालेंगे और पूरा मिक्स से पूरा पका लेंगे। तो आप मिक्स कर लेंगे, उसमें पकने के लिए थोड़ा मसाला कसने के लिए थोड़ा उसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, उसमें थोड़ा सा और थोड़ा पानी दे देंगे, थोड़ा मिक्स हो जाएगा मसाला अच्छे। अभी हमारा था पेस्ट मसाला रेडी हो गया, अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे से भून गया। उसके बाद डालते हैं जितना मसाला रखे हुए हैं ना, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और हम गुजर पाउडर और चिकन पाउडर, जीरा मसाला सब डाल देंगे उसमें, सब डाल देंगे पूरा। तो अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसमें थोड़ा पानी दे देंगे, थोड़ा सा पानी दे देंगे उसमें, और उसको मिला लेंगे थोड़ा, उसको बॉयल होने दीजिए अच्छे से, हम इसको उसे पकने दीजिए जैसे स्मेल ना आए आज, अदरक उसमें उसमें इतना स्मेल ना आए। देखो अच्छे से उसमें अभी टमाटर डालेंगे, टमाटर थोड़ा डाल देते हैं, कटा हुआ टमाटर रखे थे उसको डाल देते हैं। उसके ऊपर थोड़ा नमक दे देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार जितना है नमक उसमें डाल देंगे, थोड़ा टेस्ट के अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे, फिर मिला लेंगे भून के, पूरा मिला लेंगे, पूरा थोड़ा मिक्स बना देंगे उसको अच्छा से। तो बहुत अच्छा है, दो तीन मिनट ऐसे मिलाते रहिए, दो तीन मिनट। अभी आपका रेडी हो गया, उसमें थोड़ा छोटा वाला जो प्रॉन रखे थे उसमें डाल देंगे, मछली डाल देंगे उसमें, उसमें मछली डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा, जैसे अच्छा मसाला उसके अंदर घुस जाए। मसाला अच्छे से ही होने थोड़ा सा पकना है, थोड़ा अच्छे से मिला के थोड़ा, हाँ अभी उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे थोड़ा पकने के लिए अच्छे से, और थोड़ा पानी दे देंगे उसमें, और उसमें पानी दे देंगे,
कितना सुंदर दिख रहा है देखो, देखो कितने सुधार से पानी जो है वो उबलेगा, उबल रहा है अच्छे से।